पीछे की तरफ जा रहे हैं, भीड़ कुछ ज़्यादा है, तो चाचा थोड़ा जगह दीजिए ताकि आगे के लोग जो हैं वो बता सकें कि ये लोग लखनऊ किसको भेजेंगे। आपने मास्क तो लगा लिया है लेकिन ये बता दीजिए कि लखनऊ किसको भेज रहे हैं इस बार। भैया देखिए, लखनऊ कौन जाता है अब तो समय ही बताएगा, बीजेपी कुछ कर नहीं पाई है। आप बताइए, उत्साहित तो है आप, किसको भेजेंगे? हम योगी को भेजेंगे। हाँ, योगी आज से नहीं, अरे जितना इलेक्शन आएगा ना योगी ही जाएंगे और कोई नहीं, और किसी में दम भी नहीं है। वो 2022 आएगा मार्च अप्रैल का, उसमें देख लीजिएगा, तब देखेंगे, तब का तब है। किसको लखनऊ भेजेंगे? लखनऊ भाई साहब, अभी तो जो योगी और आपके मोदी जी जो कार्य किए हैं उस आधार पर अभी तक जो भी पार्टी आई वैसा कार्य तो कोई नहीं किया, इसलिए तो उम्मीद है कि इस बार योगी को ही लखनऊ भेजा जाएगा, बीजेपी को ही। और जो रोड की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, कोई भी सरकार आए किसी की भी, तो अभी तक तो कंप्लीट नहीं कर पाए। गांव गांव की रोड ऐसी टूटी भगी पड़ी हुई है, तो अब कैसे कहा जाए किसको भेजा जाए? कार्य तो अभी तक जो कार्य देखा गया है मोदी जी का, ऐसा तो कोई नहीं कार्य किया, इसलिए तो हम लोग विचार है कि भाई अभी तो इन्हीं को फिर बैठा के देखने से कैसा होता है, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। कुछ कालीन से जुड़े हुए लोग भी हैं, आप बताइए रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार नहीं, सही नहीं चल रहा है। आप जरा हाथ आप उस तरफ कर लेंगे तो इसका जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा हमारे कैमरे के। तो क्या क्या करते हैं आप रोजगार? हम कालीन बेचते हैं, दिन भर घूम घूम के बेचते हैं। जो हमारा कालीन पहले बिक रहा था, 2-4 बिक रहा था, एक समय एक भी नहीं बिक रहा है। क्या होगा ये तो भविष्य के गत में, लेकिन आप लखनऊ किसको भेजेंगे? हाँ, लखनऊ किसको भेजेंगे? जिसको हर कोई भेजेगा उसी के भेजेंगे। कौन किसको कहाँ भेजेगा? आपकी अपने राज्य के? हाँ, बताएंगे। बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ। विकास को कितने नंबर देंगे? भदोही जनपद के विकास को कितने नंबर देंगे? 0। 0? हाँ। भदोही विकास नहीं है? नहीं। क्या क्या विकास नहीं? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जानना चाहेंगे किसको लखनऊ इस बार भेजें? लखनऊ यहाँ की जनता तय करेगी, और जो जैसा कर्म किया है 5 साल में उसको फल भी मिलेगा। अगर इनके कर्म से अगर लोग संतुष्ट नहीं है तो परिवर्तन होगा। नया नौकर हमारा जो सेवक है, सरकार एक नौकर है, तो अगर नौकर सही से काम नहीं करेगा और जनता की बात पे नहीं चलेगा तो नौकर बदल दिया जाएगा। आपकी अपनी निजी राय हम जानना चाहेंगे। हमारी निजी राय तो अभी इनका जो कानूनी प्रक्रिया जो है, कानून की जो इनकी व्यवस्था है वो बिल्कुल तरीके से 0 हो गया। जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, और अभी जो ये परीक्षा का जो सुरक्षा होता है वो भी नहीं ये चला पा रहे हैं। परीक्षा में बच्चे गए और रिजल्ट उसका जो पेपर था वो लीक हो गया, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे? जब ना बेटियों की सुरक्षा हो पा रही है, ना पेपर, ना रोजगार, तो फिर इसको इनको ध्यान देना पड़ेगा, ना इनका नुकसान ये भरेंगे।